क्या आपने कभी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हाल की प्रगति के बारे में सोचा है? खैर, आइए हमारे समय की सबसे मनोरम गाथाओं में से एक बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की यात्रा पर गौर करें। यह कहानी एक प्रमुख एरोस्पेस कंपनी बोइंग और उनके महत्वाकांक्षी प्रयास से शुरू होती है, व्यावसायिक स्थान पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। सितारों तक का रास्ता उतार चढ़ाव से रहित नहीं है। भविष्य के लिए बोइंग की आशा स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान को कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। त्रुटियां, देरी और असफलताएं इस यात्रा के लिए अजनबी नहीं थीं। क्या आपको कुख्यात असफल परीक्षण उड़ान याद है? यह अंतरिक्ष अन्वेषण की कठोर वास्तविकताओं का एक स्पष्ट अनुस्मारक था। अंतरिक्ष यान को सॉफ्टवेयर समस्याओं से भी जूझना पड़ा, जिससे मिशन की सफलता में महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हुईं। लेकिन परेशानियां यही नहीं रुकीं। स्टारलाइनर की समस्याओं के कारण एक प्रमुख खिलाड़ी को मिशन से हटा लिया गया। पूर्व अंतरिक्ष यात्री क्रिस फर्ग्यूसन ने अंतरिक्ष यान की लगातार समस्याओं के कारण दूर जाने का फैसला किया। यह टीम के मनोबल के लिए एक झटका था, जो स्थिति की गंभीरता का स्पष्ट संकेत था। और फिर चिपचिपे वाल्व थे। अंतरिक्ष यान के संचालन के लिए महत्वपूर्ण इन यांत्रिक घटकों ने स्टारलाइनर की यात्रा में जटिलता की एक और परत जोड़ दी। वाल्व बाकी अंतरिक्ष यान की तरह अंतरिक्ष अन्वेषण के परीक्षणों और कठिनाइयों से प्रतिरक्षित नहीं थे। फिर भी इन चुनौतियों के बीच लचीलेपन की एक किरण थी। बोइंग बाधाओं से विचलित हुए बिना अपने मिशन पर दृढ़ रहा। कंपनी समझ गई कि सितारों की यात्रा कोई स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक मैराथन थी। प्रत्येक विफलता एक झटका नहीं थी, बल्कि एक कदम थी सफलता की राह पर सीखा गया एक सबक। इन बाधाओं के बावजूद बोइंग अविचल रहा और अंतरिक्ष की दौड़ में अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता रहा। बोइंग की यात्रा हमेशा आसान नहीं थी। मुक्ति का मार्ग उन चुनौतियों से भरा था, जिन्होंने इस शक्तिशाली एरोस्पेस टाइटन की क्षमता का परीक्षण किया था। स्टारलाइनर के पहले अंतरिक्ष यात्री मिशन को लॉन्च करने की प्रारंभिक योजना में एक बार नहीं बल्कि कई बार देरी हुई थी। पैराशूट प्रणाली की विस्तृत समीक्षा आवश्यक थी। यह एक महत्वपूर्ण घटक है, जो हमारे बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा उड़ान परीक्षण के लिए प्रमाणन आइटम को पूरा करने की आवश्यकता थी। ये प्रमाण पत्र महज कागजी दौर नहीं थे। वे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थे कि स्टारलाइनर का हर एक सिस्टम, हर एक घटक मानक पर खरा उतरे, अंतरिक्ष की कठोरता का सामना करने और जहाज पर मौजूद लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए तैयार हो। यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी स्टारलाइनर के खिलाफ साजिश रचता दिख रहा था। अमेरिका के पूर्वी तट पर अन्य रॉकेट प्रक्षेपणों से उत्पन्न शेड्यूलिंग संघर्षों के साथ पृथ्वी के घूर्णन, मौसम और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में यातायात को भी ध्यान में रखना पड़ा। यह एक ब्रह्मांडीय बैले था, जिसे पूरी तरह से कोरियोग्राफ किया जाना था और स्टारलाइनर को इसके संकेत की प्रतीक्षा करनी थी। लेकिन इन असफलताओं और देरी के बावजूद उड़ान के लिए स्टारलाइनर की तत्परता में विश्वास कभी कम नहीं हुआ। नासा और बोइंग दोनों दृढ़ता से खड़े रहे। वे धैर्य का मूल्य और इसे सही करने के महत्व को जानते थे। वे जानते थे कि स्टारलाइनर सिर्फ एक अंतरिक्ष यान से कहीं अधिक है। यह मानवीय दृढ़ता, ज्ञान की हमारी निरंतर खोज और अंतिम सीमा की हमारी अंतहीन खोज का प्रतीक था। बोइंग की दृढ़ भावना की परीक्षा हो चुकी थी, लेकिन वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। हर चुनौती का संकल्प के साथ सामना किया गया, हर असफलता को सीखने, सुधार करने और वापस आने के अवसर के रूप में देखा गया। मजबूत, यह सिर्फ सितारों तक पहुंचने के बारे में नहीं था। यह खुद को साबित करने के बारे में था कि जब हम सपने देखने की हिम्मत करते हैं, तो आकाश भी हमारी सीमा नहीं है। प्रत्येक विफलता सफलता की ओर एक सीढ़ी है, और बोइंग ने यह साबित कर दिया। अगर बोइंग स्टारलाइनर की गाथा से हम एक चीज सीख सकते हैं, तो वह यह है कि असफलताएं और असफलताएं, हालांकि निराशाजनक, जीत का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। यह सब खड़े होने, धूल झाड़ने और फिर से शुरू करने की ताकत के बारे में है, और बोइंग ने बिल्कुल यही किया। निर्णायक क्षण तब आया जब स्टारलाइनर एक बार फिर अपनी क्षमता साबित करने के लिए तैयार था। लक्ष्य: नासा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब स्टारलाइनर इस पद पर था। अपने दिमाग को 29-19 पर केंद्रित करें, जो अंतरिक्ष यान के लिए एक घटनापूर्ण वर्ष था। प्रारंभिक परीक्षण उड़ान आयोजित की गई,
लेकिन यह योजना के अनुसार नहीं चली। तकनीकी समस्याएं उभरीं, जिससे मिशन पर संकट मंडराने लगा और उड़ान को फिर से शुरू करने का निर्णय लेना पड़ा। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद बोइंग अविचल रहा। कंपनी ने इन चुनौतियों को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में लिया। उन्होंने अपना ध्यान उन सॉफ्टवेयर त्रुटियों को दूर करने पर केंद्रित किया जो प्रारंभिक उड़ान के लिए अभिशाप थीं। लक्ष्य स्पष्ट था, न केवल समस्याओं को ठीक करना बल्कि अंतरिक्ष यान के समग्र प्रदर्शन में सुधार करना। टीम ने अथक परिश्रम किया, हर विवरण की जांच की, कोई कसर नहीं छोड़ी। अंतरिक्ष यान के सुधारों में उनका विश्वास बढ़ गया और इसके साथ ही दोबारा उड़ान भरने की प्रत्याशा भी बढ़ गई। डूओवर उड़ान केवल पिछली त्रुटियों को सुधारने के बारे में थी, बल्कि दुनिया को और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद को यह साबित करने के बारे में थी कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं। यह बोइंग के लचीलेपन, अपने मिशन के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और बाधाओं के बावजूद सफल होने के उनके दृढ़ संकल्प का एक प्रमाण था। बोइंग का दृढ़ संकल्प सफल हो रहा था और वे अगले बड़े कदम के लिए तैयार थे। स्टारलाइनर की यात्रा एक ऐसी कंपनी के लचीलेपन की कहानी है जिसने चुनौतियों का डटकर सामना किया, अपनी गलतियों से सीखा और मजबूत होकर उभरी। यह मानव प्रयास की अदम्य भावना का एक प्रमाण है और एक अनुस्मारक है कि अंतरिक्ष अन्वेषण की खोज में हर विफलता सफलता की ओर एक कदम मात्र है। 6 मई 2024 को इतिहास रचा गया। जैसे ही घड़ी में रात के 10:34 बजे EDT फ्लोरिडा में केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के ऊपर रात का आसमान बोइंग स्टारलाइनर की उग्र चढ़ाई से विभाजित हो गया था। ये कोई यूं ही लॉन्च नहीं था। यह नासा के लिए स्टारलाइनर का पहला अंतरिक्ष यात्री मिशन था, जो अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। मिशन का एक स्पष्ट लक्ष्य था, किसी भी संदेह से परे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से कर्मचारियों को लाने और ले जाने के लिए कैप्सूल की तत्परता प्रदर्शित करना। दाव ऊंचे थे, लेकिन इसमें शामिल सभी लोगों का उत्साह भी ऊंचा था। यह प्रक्षेपण वर्षों की कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और स्टारलाइनर की क्षमता में अटूट विश्वास का परिणाम था। जैसे ही अंतरिक्ष यान आकाश से गुजरा, यह ISS की एक सप्ताह की यात्रा पर निकल पड़ा। यह महज एक पारगमन नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष यान की प्रणालियों का एक कठोर परीक्षण था। प्रत्येक दिन कैप्सूल की क्षमता को साबित करने का, इसके निर्माण में किए गए अनगिनत घंटों के काम को प्रमाणित करने का एक अवसर था। जहाज पर सवार अंतरिक्ष यात्री सिर्फ यात्री नहीं थे, वे सच्चे अर्थों में अग्रणी पथ प्रदर्शक थे। उन्हें अंतरिक्ष यात्रा में भविष्य की भूमिका के लिए स्टारलाइनर की तैयारी सुनिश्चित करने का मिशन सौंपा गया था। उनका कार्य अंतरिक्ष यान को परीक्षणों की एक श्रृंखला के माध्यम से चलाना था, प्रत्येक को इसकी परिचालन क्षमताओं के एक अलग पहलू का आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी, फिर भी प्रत्येक गुजरते दिन के साथ स्टारलाइनर ने स्वयं को कार्य के योग्य साबित किया। इसने अंतरिक्ष यात्रा की कठोर परिस्थितियों का सामना किया, इसके सिस्टम अंतरिक्ष यात्रियों और ग्राउंड क्रू की निगरानी में निर्बाध रूप से काम कर रहे थे। और फिर सच्चाई का क्षण आ गया। मिशन के एक महत्वपूर्ण चरण के पूरा होने का प्रतीक स्टारलाइनर सफलतापूर्वक ISS के साथ जुड़ गया। लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। अंतरिक्ष यात्रियों ने अगला सप्ताह आगे के परीक्षण करने में बिताया, जिससे अंतरिक्ष यान की वापसी यात्रा के लिए तैयारी सुनिश्चित हो सके। अंततः स्टारलाइनर ने पृथ्वी पर अपनी विजय वापसी की। इसका पुनः प्रवेश और लैंडिंग इसके प्रक्षेपण की तरह ही दोषरहित था। यह मिशन एक जबरदस्त सफलता थी, जो मानवीय सरलता की शक्ति और अन्वेषण की अदम्य भावना का प्रमाण था। यह मिशन बोइंग के स्टारलाइनर कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने भविष्य के अंतरिक्ष प्रयासों के लिए मार्ग प्रशस्त किया।